दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बीएससी नर्सिंग की फीस कितनी होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं, जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज होते हैं, उनमें फीस कितनी होती है। इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें कितनी होती है। सो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फीस के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा कि बीएससी नर्सिंग की फीस किस तरीके से होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का यानी 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है नर्सिंग के फील्ड में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं, एज ए नर्स वर्क कर सकते हैं। इस कोर्स को गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं, बट कुछ कॉलेजेस केवल गर्ल्स यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ही एडमिशन देते हैं। इस कोर्स को आप 10+2 एंड 12th के बाद कर सकते हैं। 12th में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि पीसीबी एंड इंग्लिश आपके पास 12th में सब्जेक्ट था तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। कुछ कॉलेजेस नीट के एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेजेस अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस मेरिट के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही एडमिशन देते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। आपको बता दें फीस अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है, यानी कि फीस कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा। इस वीडियो में हम आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों प्रकार के नर्सिंग कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली की, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली की। अगर आप इससे भी ऐसी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर आप ध्यान में ज़रूर रखिए। तो फर्स्ट ईयर की जो इसमें फीस है वो है 1685 रुपये, यानी कि 1685 रुपीज़, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट ईयर की फीस। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें ट्यूशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है और अदर फीस हैं। यहाँ पर हॉस्टल एंड मेस की जो फीस है वो इंक्लूड नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। इसमें ट्यूशन फीस है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस और कुछ अदर फीस है, लेकिन हॉस्टल एंड मेस का जो है फीस वो आपको अलग से पे करना होगा। सेकेंड ईयर की दोस्तों बात करें तो सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है 1560 रुपये, थर्ड ईयर की 1560 रुपये और फोर्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर की 1560 रुपये। इस तरीके से टोटल फीस हो जाती है, 4 साल की फीस 6365 रुपये। ये है एम्स न्यू दिल्ली की बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और ध्यान रखिएगा ये जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फीस बता रहा हूँ ये इंटरनेट के अकॉर्डिंग है। इंटरनेट पर जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं उन पर हमने रिसर्च किया है, देन मैं आपको बता रहा हूँ ये फीस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आप जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट फीस जानना चाहते हैं जिस कॉलेज की, आप उस कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पता कर सकते हैं या फिर आप उस कॉलेज में जाकर के पता कर सकते हैं टोटल फीस कितनी लगती है। तो ये जो डेटा है इंटरनेट के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। चले अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें GCRG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ की, तो इस कॉलेज में जो फीस है नर्सिंग कोर्स के लिए, स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट ईयर की फीस है 1,20,000 रुपये, सेकेंड ईयर की फीस है 1,20,000 रुपये, थर्ड ईयर की फीस है 1,20,000 रुपये और फोर्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर की फीस है 1,20,000 रुपये। इस तरीके से अगर आप इस प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो टोटल आपको 4,80,000 रुपये देने होंगे, यानी कि 4.8 लाख रुपीज़ आपको देने होंगे इस पूरे कोर्स के लिए। इसमें ट्यूशन फीस दी गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ईयर की फ़ीस ही 1,20,000 रुपये, इसी तरीके से सेकेंड ईयर की फ़ीस है, इसी तरीके से फाइनल ईयर तक की फ़ीस है, टोटल 4 लाख से ऊपर की है, 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉलेज का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस के बारे में, तो वो कॉलेज है सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गंगटोक। ये जो कॉलेज है गंगटोक में है, सिक्किम में है। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की फ़ीस की, केवल फर्स्ट ईयर की, ध्यान रखिएगा ये जो फीस है केवल फर्स्ट ईयर के लिए है। देखें सबसे पहले अगर हम बात करें एनुअल लंप सम की, यानी कि अगर आप एनुअली इसे एक साथ में फ़ीस जमा करते हैं तो कितनी फ़ीस आपको देनी होगी, तो इसमें कोर्स फी है यानी कोर्स की फ़ीस है 1,36,000 रुपये, हॉस्टल फीस है 41,000 रुपये यानी कि 41,000 रुपीज़ एंड मेस यूटिलिटी चार्जेस हैं 88,000 रुपये।
इस तरीके से अगर आप इस फीस को एक साथ जमा करते हैं एक साथ, तो आपको देने होंगे 2,65,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए। ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर आप चीज़ें देख पा रहे होंगे, 2,65,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आप इसी फीस को इंस्टॉलमेंट में देते हैं, यानी किस्त में देते हैं, तो क्या करना होगा, एडमिशन के टाइम आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होगी कितने की, 2,02,500 रुपये की। इसमें कोर्स फीस है 73,500 रुपये, हॉस्टल फीस है 41,000 रुपये और मेस यूटिलिटी चार्जेस हैं 88,000 रुपये। इस तरीके से 2,02,500 रुपये अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे तो इतने आपको देने होंगे। फिर आपको 6 महीने बाद आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट देनी होगी कितने की, 67,500 रुपये की। तो इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर होता है कॉलेजेस में। ये टॉप नर्सिंग कॉलेज है जिसकी फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये हमने इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु की। तो इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की फीस की, यानी प्रथम वर्ष के लिए, तो इसमें ट्यूशन फीस जो है वो है 810 रुपये, अदर एनुअल फी इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म 19,130 रुपये, यूनिवर्सिटी फ़ी है 7,550 रुपये, हॉस्टल एंड मेस फ़ी है एनुअली 31,100 रुपये। तो ये है फर्स्ट ईयर की फ़ी, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अलग अलग फ़ी दी गई है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की फ़ीस कुछ इस तरीके से, 810 रुपये ट्यूशन फ़ी हो गई, अदर एनुअल फ़ी इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म 8,590 है, यूनिवर्सिटी फ़ी है 3,000 रुपये, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस हैं वो है 29,900 रुपये। इसी तरीके से थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की फ़ीस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारी फ़ीस आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितनी हो जाती है। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है इनमें काफ़ी अंतर है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस काफ़ी कम है प्राइवेट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अपेक्षा। तो अगर आप कम फीस में, कम रुपयों में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले। उसके लिए क्या करना होगा, अधिकतर कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। कुछ कॉलेजेस नीट के आधार पर एडमिशन देते हैं और कुछ अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं जिसके बेस पर एडमिशन देते हैं। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लीजिए और फिर आप उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए जिससे आपको वो कॉलेज मिल सके और गवर्नमेंट में टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए। अगर आप टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे तो अधिकतर पॉसिबिलिटी यही रहती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको किसी टॉप हॉस्पिटल में जॉब मिले। अगर आपको टॉप हॉस्पिटल में जॉब मिलता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। तो मेहनत आपको करनी होगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो उस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फीस जो है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें एक एवरेज फ़ीस की, तो ये जो फ़ीस है 5,000 से लगा करके 10,000 से 15,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एंड प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस है 50,000 से 2,50,000 रुपये पर ईयर तक की या फिर उससे भी अधिक हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको अभी फीस स्ट्रक्चर जो बताया था उसमें आपने देखा होगा काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं फीस में कॉलेज टू कॉलेज। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस कॉलेज की फ़ीस के बारे में जानकारी लीजिए, आप उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल सटीक फीस जानना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, उस कॉलेज के जो पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट उस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं आप उनसे पता कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं, या फिर आप उस कॉलेज में जा करके बिल्कुल एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई कोई जो कॉलेज होते हैं उनकी वेबसाइट पर ही आपको अधिकतर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, तो आप वेबसाइट पर जाकर के उसका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कितनी फीस इसमें लगती है और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अधिकतर जो कॉलेजेस हैं उन पर आपको सारी डिटेल एडमिशन फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस किस तरीके से होती है, कितनी होती है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, वीडियोज़ आप देख पाएंगे। अगर आप किसी अदर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।